बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 31 मार्च को स्ट्रीम होगी। सोमवार को मुंबई में फिल्म से जुड़ी एक शानदार स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड के कई मशहूर सितारों ने शिरकत की। इस स्क्रीनिंग में फिल्म के निर्माता निर्देशक सहित शीबा चड्डा और सतीश कौशिक सहित कई अन्य सेलिब्रिटीज मौजूद थे। दिग्गज अभिनेता और निर्माता सतीश कौशिक ने फिल्म के बारे में बात करते हुए पेपराजी से कहा, नमकीन इज ए वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, बहुत खास फिल्म है, बिकॉज हमारे चहेते एवर रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर जी की लास्ट फिल्म है। ऋषि कपूर जी का प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है और इस फिल्म में उनके साथ जितना वक्त बिताया, काम किया इकट्ठे, बड़ा मज़ा आया। ऋषि जी का प्रेम हमेशा हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैंने तो उनकी फिल्म आप लौट चले में भी काम किया था, तो कितने सद्भाव वाले, कितने प्रेम वाले व्यक्ति थे, सेंस ऑफ ह्यूमर था, सिनेमा का पैशन था, सिनेमा की बात करते थे, एक्टिंग की बात करते थे। और ये फिल्म जो है उनकी एक यादगार फिल्म है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऋषि जी की लास्ट फिल्म होने के साथ साथ ये एक अनोखी फिल्म भी है। अनोखी फिल्म इसलिए है क्योंकि पहली बार आपको एक ही किरदार के अंदर दो एक्टर दिखाई देंगे, और ये परेश रावल जी का बहुत बड़ा एक उनके लिए जेस्चर है कि उसी रोल को उन्होंने निभाया, तो एक किरदार के अंदर दो कैरेक्टर दिखाई देंगे। मैं तो परेश जी के साथ जब शूटिंग कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि ऋषि कपूर जी, चिंटू जी बैठे हुए हैं सामने, यू नो। तो उन्होंने भी उस किरदार को एकदम सही तरह से निभाया। फिल्म बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर है, यू नो। अपना हनी त्रेहन और अभिषेक चौबे और एक्सेल एंटरटेनमेंट रितेश और फरहान अख्तर ने बनाई है, तो फिल्म तो डेफिनेटली कंटेंट वाइज बहुत अच्छी होगी। और हमने काम किया है और चड्डा का रोल किया है और ऋषि कपूर जी के दोस्त का रोल किया है, तो ये फिल्म एक स्पेशल फिल्म है सबकी, सबके लिए। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जो हैं ऋषि कपूर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, ऋषि कपूर जी के प्रेम के लिए इस फिल्म को ज़रूर देखें। और ये फिल्म आपको गुदगुदाएगी, हंसाएगी और रुलाएगी और आपको याद कराएगी ऋषि कपूर जी। इस फैमिली एंटरटेनमेंट में जूही चावला, ऋषि कपूर और परेश रावल मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। इनके अलावा सुहेल नैयर, तारुक रैना, सतीश कौशिक, शिवा चड्डा और ईशा तलवार भी अहम किरदार में नजर आएंगे। 60 साल के व्यक्ति की इस खुशमिजाज कहानी पर आधारित इस फिल्म के आधे हिस्से में ऋषि कपूर दिखाई देंगे और आधे हिस्से में परेश रावल नजर आने वाले हैं। ये दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म है। उनके निधन के बाद फिल्म पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। उनका निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ था। इसके बाद परेश रावल ने फिल्म के बाकी बचे हिस्से की शूटिंग पूरी की। इस फिल्म में ऋषि कपूर एक 60 साल के व्यक्ति का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे, जो एक महिला के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म शर्मा जी नमकीन की कहानी हाल ही में रिटायर्ड हुए एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, जो महिलाओं के किटी सर्कल में शामिल हो जाता है, जिसके बाद उसको अपने खाना पकाने के जुनून का पता लगता है। फैंस को इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। INS रिपोर्ट।